अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, अप्लाइड केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसकी कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री 1, 2, 3 के नाम से सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के डिफरेंट मेजरमेंट्स क्या चीज होती है, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। सिम्बल्स क्या चीज होती है, वैलेंसी क्या चीज होती है, रेडिकल फार्मूलाज देखेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे, बोर एटॉमिक मॉडल देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड और ग्रुप्स में देखेंगे क्या फर्क है। केमिकल बॉन्ड क्या चीज है, केमिकल बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज होती है, ठीक है। उसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड किस तरह बनते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड्स में देखेंगे, सॉलिड स्टेट क्या चीज होती है, ठीक है। लिक्विड्स में कैसे काम करते हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेक करेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनकी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद पानी पे देखेंगे, वाटर क्या चीज होती है, इसकी केमिकल नेचर क्या चीज होती है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या चीज होती है, इसमें इंप्योरिटीज किस तरह ऐड करते हैं। सी वाटर क्या चीज है, सीवेज वाटर में क्या मसला होता है। फिर उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनमें हम डिफरेंट पीएन वैल्यूज, पीएच वैल्यूज किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे, हाफ लाइफ देखेंगे क्या चीज होती है, आइसोटोप्स क्या चीज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे, अलॉयज क्या चीज है, अलॉयज देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अप्लाइड केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। फैराडेस लॉस में स्टडी करेंगे, सेल्स केमिकल सेल्स किस तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स देखेंगे, ठीक है। इंसुलेटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, गैस इंसुलेटर हैं, ठीक है। लिक्विड या सॉलिड इंसुलेटर किस तरह काम करते हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स पे चले जाएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसको हमने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इचिंग प्रोसेस को फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आपको करंट ट्यूटोरियल्स के अंदर जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। उसमें आपको ये सारा कुछ मिलेगा। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।